हेलो फ्रेंड्स, रोज़ा रोज़ कुजिनल ब्लॉग्स में फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ परचेज़ किया है, तो ये मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ मैं आप सबसे ये चीज़ को शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो आगे आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है। इस पैकेट को ओपन करने से पहले मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो देख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे दिखाती हूँ। इसको मैं कट कर रही हूँ। मैंने ट्राई किया था लोकल शॉप में कि मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं। ये हैंगिंग वाला बहुत बढ़िया है, देखिए कितना खूबसूरत है। ये कलर भी इसका अच्छा है। अब इसे मैं पर्स डाल के देखती हूँ कितने सारे पर्सेस में आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। एक पर्स मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरे पास जो बैग्स हैं कुछ ज्यादा ही ये लंबा टाइप का है, इनका पास छोटे छोटे होते हैं ज्यादा पर्स, उनके लिए शायद ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी आगे बड़ा वाला और मैंने डाल दिया, ये भी आ रहा है और दूसरा मैं और डालूंगी। इसको हैंग करना है अलमीरा का अंदर। ये एक दो तीन और पीछे में तीन है, छह पर्स आराम से इसमें हम रख सकते हैं। और जो छोटे छोटे पर्स होते हैं आप डबल भी रख सकते हैं। अब ये एक बड़ा सा पर्स है मेरे पास, तो मैं इसको भी देखती हूँ अगर इधर हो जाए, सेट कर देती हूँ इसको भी मैं। इसको इस तरीके से अगर रखूंगी छोटे छोटे पर्स है वो दो तीन करके भी आ जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजर है तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये चीज, हैंगिंग वाला है और पर्स के ऊपर जो धूल मिट्टी जम जाती है वो भी अब चांस नहीं होगा कि धूल मिट्टी उसमें लगे। क्लीन करके अब एक ही बार में इसको हैंग करके अलमीरा के अंदर रख दे। अब इसको मैं हैंग करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए अलमीरा, इतने सारे बैग्स हैं और किस तरीके से मैंने रखा है, क्योंकि जगह नहीं है, रखना ही पड़ता है। और फिर इस किसी को मैंने हैंग करके रखा है, किसी को इस तरीके से रखा, तो इसमें मेरे पर्स की जो हालत होती है मैं क्या बताऊं। तो इसीलिए मैंने एक बहुत ही कामदार चीज़ मैंने परचेज किया है और अभी उसी चीज़ को मैं सबसे शेयर करने जा रही हूँ। अब देखिए मैंने इसे हैंग कर दिया है और बिल्कुल परफेक्ट है साइज में। ये जो छोटा है, छोटा सा बैग है ये, तो अगर इस टाइप का आपका पास है तो इसे आप फोल्ड करके यहाँ पे डबल वाला बैग रख सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा है बैग देखिए, तो मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके रख दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फोल्ड करने से हो जा रहा है। फोल्ड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये स्पेसियस है बहुत। और नीचे भी देखिए एकदम परफेक्ट आया है। और इधर भी देखिए, अब मैं टर्न करके दिखा रही हूँ। अब ये देखिए छह बैग्स है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही बैग्स और भी आएंगे। यहाँ देखिए खाली है बिल्कुल ये जगह, इसमें और एक बैग हम चाहे तो रख सकते हैं। एकदम साफ सुथरा रहेगा इसका अंदर, और ऊपर का जो स्पेस में ये बैग पड़ा हुआ था मेरा, वो जगह भी मेरे लिए अब खाली हो जाएगा, तो मैं उसमें बहुत कुछ रख सकती हूँ। ऊपर में और भी पर्सेस आप देख सकते हो। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारे
पर्स गिफ्ट करते रहते हैं, मुझे भी पसंद है पर्स एक मतलब कलर बाय कलर खरीदना, कोई भी कलर ब्लैक हो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, मैं खरीदती रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए इसीलिए मेरे पास इतने सारे पर्स हैं। तो उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी भी है और इतना कम स्पेस में आप इसे होल्ड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मेरा वीडियो देख के अगर आप लोगों को लगे ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो ऑर्गेनाइजर बॉक्स बैग जो है आपने देख लिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।